नाजरीन प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं तारिक हफीज। मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूं ये सरकारी जगह है, सड़क के बिल्कुल साथ, और सरकारी अमलाक पर कब्जे के जितने भी जो लोग हैं काबिजीन हैं उनसे सरकारी अराजी वागुजार कराने का सिलसिला जारी है और हुकूमत के प्लान में शामिल है और डीसी लाहौर इस पर अमल दरामद भी करते नजर आते हैं। लेकिन ये पांडोकी के साथ एक गांव है छोटा सा, इस गांव में 6 तारीख को वाकया ये पेश आया कि यहां पर लोग कब्जा कर रहे थे। ये आपको नजर आ रही ईंटें, ये मिट्टी और ये सामने वाला घर, बिल्कुल ये लोग काबिजीन होना चाह रहे थे यहां पर और यहां पर कब्जा करना चाह रहे थे। ये सरकारी अराजी है और सड़क के 5 फुट तक जो है वो सरकारी अराजी मौजूद होती है और वहां पर किसी किस्म की तामीर जो है वो मना होती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर सड़क जो है वो खत्म होती है और यहीं से जो काबिजीन है उन्होंने कब्जा शुरू किया। हुआ ये कि यहां पर जब कब्जा हो रहा था तो मोहल्ले के एक शख्स ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस कब्जे से जान छुड़ाने के लिए या ये अराजी वागुजार कराने के लिए इन लोगों से कहा कि ये सरकारी अराजी है, आप कब्जा क्यों कर रहे हैं। बात बढ़ी और इतनी बढ़ी कि उन्होंने मुरातब अली नामी शख्स जो कि एडवोकेट थे पेशे के हिसाब से, उनको मौके पर ही फायर मारकर जां बहक किया। उसके बाद लोग यहां पर काफी बड़ी तादाद में मौजूद थे क्योंकि पहले तैश में आए दोनों, पहले उनको रोका गया लेकिन रुके नहीं। जब नहीं रुके तो अंदर से क्लाशनकोफ लाई गई और फिर 2-3 भाइयों ने मुरातब अली को पकड़ा और अपने घर ले गए। ये बिल्कुल सामने उनका घर है, अब उस पर आप ताले देख सकते हैं, वहां पर लॉक लगा के वो लोग फरार हो चुके हैं क्योंकि FIR उन पर हो चुकी है। मामला क्या था, क्या सिर्फ सरकारी अराजी पर कब्जा, क्योंकि ये सरकारी अराजी है, गवर्नमेंट की अराजी है, ये मुरातब अली की अपनी अराजी नहीं थी। उन्होंने अपने लिए आवाज बुलंद नहीं की बल्कि यहाँ के लोगों के लिए की, यहाँ के जो बासी हैं उनके लिए की, लेकिन वही महंगा पड़ा और मुरातब अली को इस दुनिया फानी से कूच करना पड़ा। मामला क्या था ये जानते हैं। नाजरीन इस वक्त हम मुरातब अली की रिहाइशगाह पे मौजूद हैं, 7वें का ख़त्म है, आप देख सकते हैं लोग अफसोस करने के लिए भी आ रहे हैं, फातह खानी कर रहे हैं। ज़ाहिर एक बहुत बड़ा अफसोस है, 2 बच्चे थे मुरातब अली के और 2 तारीख का 3 बजे का ये वाक़या है कि जब उसको घसीट कर अंदर ले जाया गया और उन्होंने फायर करके जो है वो उसे जां बहक किया। इसके अलावा 2 लोग जख्मी भी हुए थे जावकुआ पर, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मुकदमे के मुद्दई भी हैं। मुरातब अली का पहले कोई झगड़ा था इस फैमिली के साथ? नहीं, इससे पहले उसका कोई मामला नहीं था, वो तो सिर्फ रास्ते की जगह जो है वो कवर कर रहे थे, रास्ता जो है वो उस पर दीवार बना रहे थे, तो इसीलिए वो उनको रोकने के लिए गया है। मैं भी उसके साथ पीछे पीछे था, तो जो उसने उनसे उनको रोका है कि ये रास्ता है, इस पर दीवार ना बनाओ, लोगों ने इस पर से गुजरना है, तो उस पर फिर उनके दरमियान जो फिर झगड़ा शुरू हुआ है, तो मैं थोड़ा सा पीछे था, तो इस दौरान उन्होंने पकड़ के उसके जो है वो अंदर लेके गए हैं, तो दूसरे बच्चे जो जख्मी हुए हैं वो और मैं वो भी आ गए इसी सना में, तो हम आगे जो बड़े हैं उनको छुड़ाने के लिए, तो उस इसी सना में उन्होंने फायरिंग कर दी। नहीं तो जब मुरातब अली वहाँ पे गए तो उस वक्त वो अकेले थे? पहले वो हाँ अकेले थे। अकेले थे और उनके पास कितने लोग थे उस वो वक्त? 4 लोग थे। 4 लोग हाँ। वो यानी वो कब्जा जो है वो 4 लोग कर रहे थे। 4 लोग कर रहे थे, उसके अलावा मिस्त्री मजदूर अलहदा थे। मिस्त्री मजदूर भी उनके साथ ही थे? वो उन्होंने हिस्सा तो नहीं लिया लेकिन वो तामीर कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि पहले कभी उनके साथ कोई लड़ाई वगैरह नहीं? नहीं, हमारा उनके साथ कोई मामला नहीं, ताल्लुक है अच्छा उनके साथ। हाँ जी, रहा है पहले? पहले ठीक है, हम आए हैं हमारे। अच्छा, उनका बैकग्राउंड क्या है कि पहले भी कोई उनकी हिस्ट्री में ऐसे कब्जा और ये वो इस किस्म की चीज़? ये इसी किस्म के लोग हैं। आपको भी मालूम था कि ये इस किस्म के लोग? हाँ जी। अच्छा, मुरातब अली ने, ये सरकारी अराजी थी? ये रास्ता है जी, ये रास्ता है, वहाँ देखें जाकर, वहाँ पर वो पीछे से भी देखें आगे से भी देखें, ये बिल्कुल एक जैसा रास्ता है सारा।
हाँ जी। अच्छा वो रस्ते की जगह है। अच्छा वो चार लोग थे। जी चार लोग। अच्छा जब उनके दरमियान तल्ख कलामी कितनी देर रही, लड़ाई आप लोगों की कितनी देर रही? बस दो तीन मिनट, इसी जो हम हमारे पहुंचते पाए थे वो काम जो वो फायरिंग फिर होगी। नहीं आप इस जगह पे थे, घर में ही थे? मैं हाँ जी, वो इधर से निकला है, मैं भी इधर से घर, हमारी पीछे हवेली है जानवरों की, तो उधर जाने के लिए निकला हूँ। तो वो जो है वो कोई ज्यादा मतलब तकरार तू तकार नहीं हुई है? नहीं कोई खास, दो तीन मिनट में ये सब कुछ हुआ है। मुरातब अली ने उनको जाके रोका है कि ये रास्ता है, आप रास्ता क्यों बंद कर रहे हैं, ये तो मेन रास्ता है हमारे गांव का, ये मेन रास्ता आगे जो है वो मुस्वाबाद लियानी और ये आगे गांव उधर को जाता है। ठीक है। अच्छा आप जब पहुंचे तो उसके बाद उसको अंदर लेके गए घसीट के? वो उसे खींच कर अंदर ले जा रहे थे, तो हम वो दो बच्चे जिनको जो मजरूब हुए हैं, एक मैं था, तो मैंने उनसे कहा कि पकड़ो यार छुड़वाए ये, तो एक लड़का और था वो भी इधर ही है, तो वो छुड़वाने के लिए जब गए तो फिर उन्होंने जो है वो आगे से वो राइफल लेके आया। आप उनके घर पहुंच गए थे छुड़वाने के लिए? नहीं नहीं, हम तो बाहर दरवाजे पर जहां बच्चे गिरे हैं ना जिनको फायर लगे हैं वो बाहर, वो गेट तक ले गए थे गेट, हाँ जी अंदर ले गए थे, हम उधर बाहर रस्ते पर पहुंच गए थे। अच्छा तो फायर आपके सामने उन्होंने मारा है? फायर मुझे भी, मुझ पर भी फायरिंग हुई है। ये बताएं कि जो फायर किया है वो एक भाई ने किया उनके? नहीं फायर एक भाई ने किया, उसके बाद एक के पास पंप एक्शन है, वो पुलिस ने बरामद भी किया, उसने भी फायर किया लेकिन हवाई फायर किया। हवाई फायर किया। अच्छा पहले कभी आप लोगों का झगड़ा वगैरह नहीं था, सिर्फ ये सरकारी ये सरकारी ये और वो भी इसलिए कि वो रास्ता रोक रस्ते की राजी की वजह से। अच्छा उसके बाद आप पुलिस वगैरह के पास गए? हाँ जी पुलिस के पास गए, मुकदमा हो गया, पुलिस ने सही सुनवाई की आपकी? नहीं ठीक है, वो कोऑपरेटिव है, पुलिस कोऑपरेटिव। हाँ जी कोऑपरेटिव। तो बंदे भी पकड़े गए हैं? दो जो है नामजद मुलजम पकड़े गए हैं। हाँ। तो वो जो असल मुलजम जो है वो भाग गया। तो अभी भी ताले लगे में कोई है नहीं उनके घर? नहीं उनके घर में कोई नहीं। उस दिन के बाद से वो चले गए? हाँ वो जब हम उसको पकड़ के अपने भाई को उठाकर हम हॉस्पिटल की तरफ भागे हैं। हाँ। इसी सुना में वो फिर जो वो है वो उनको निकलने का मौका मिल गया। अच्छा तो बाकी गाँव के लोगों ने कोऑपरेट किया आप लोगों के साथ? हाँ ठीक है, गाँव वाले तो कोऑपरेटिव है हमारे साथ। अच्छा ये बताएं कि ये इनका पेशा क्या है जिन्होंने फायर किया? ये जो एक है वो दूध का काम करता है। अच्छा दो भाई दुकानदारी करते हैं। दुकानदारी यहीं पे करते हैं? ये गांव के अंदर ही करते हैं। अच्छा तो पहले मतलब उन्होंने यहाँ पे कब्जा नहीं किया था गांव में? इससे पहले जो है वो छोटे मोटे इस तरह के पंगे वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं वो। आप भी भाई हैं? जी जी। तो भाई ने कभी बताया इनके साथ कोई कभी खलेश या कभी कोई नहीं, लड़ाई? नहीं कभी ऐसा जो है ना मसला नहीं हुआ कि कभी भाई ने कहा हो कि इनके साथ मेरी कोई दुश्मनी चल रही है या इनके साथ मेरा कोई मसला, कभी ऐसा नहीं हुआ। आप लॉयर, वो लॉयर थे? जी वो लॉयर थे। अच्छा और ऐसे मामलात में खुसूसन कब्जा या इलाके की फलाह बहबूद के लिए जी जी वो काम करते थे? हाँ अक्सर वो जो है ना कहीं अगर कोई मसला होता था, कहीं सुलह करवाने इस तरह का मसला होता था तो भाई जो है ना वो आगे बढ़ के उसको हल करने की कोशिश करता था। आप यहीं पे थे जब ये वाकया हुआ या आप? मैं घर में था जब मैं भाग के आया हूँ, तो वो भाई गिरा हुआ था, यानी मेरे आने से पहले वाकया हो चुका था। अच्छा जी। तो ये भाई के कितने बच्चे हैं? भाई शादीशुदा? दो बच्चे हैं। दो बच्चे हैं, क्या उम्र है उनकी? एक ये बच्चा है 3 साल का। अच्छा एक 3 साल, एक बच्ची जो है वो 10 माह की है। अच्छा एक बच्ची 10 माह की और एक ये बेटा 3 साल। दो बच्चे हैं। ये दो बच्चे हैं। दो बच्चे। भाई का कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ? नहीं, नहीं, नहीं। आपकी पूरी फैमिली का नहीं हुआ इनके साथ कभी? नहीं। तालुकात भी अच्छे थे? तालुकात ठीक थे। तो सिर्फ इतनी सी बात पे कि आप सरकारी राजी पे कब्जा क्यों कर रहे हैं, इस बात पे इतनी सी बात पे इतनी? और बताया जा रहा है कि 2-3 मिनट में ये सारा वाकया हो गया? हाँ जी, यानी उसने हमें तो ऐसे लगता है जैसे वो मेंटल तौर पे पहले से तैयार बैठा हुआ था कि इन्होंने हमें कहना है, क्योंकि भाई पहले भी फ्लाई कामों में हिस्सा लेता था ना, तो हमें तो ये लगता है कि वो मेंटल तौर पे तैयार बैठे हुए थे कि इन्होंने हमें कहना है और हमने इनको नुकसान पहुँचाना है। जाहिर है कि जब भी इसलिए उन्होंने अंदर असला भी, आपको पता था उनके पास असला भी है? हाँ ये पता था। पता था? पता था। तो भाई ने अकेले जाने की बजाय अगर 2-4 लोग साथ ले जाता गांव के तो मेरे ख्याल में मामला ठीक रहता।
हमारी दुश्मनी थोड़ी थी जो हमने ऐसा करना था, यानी आप लोगों के ज़हन में नहीं था कि ये जवाब ऐसा करेगा। यही यानी उसने तो सरसरी तौर पर जाके कहा उनको कि यार ये काम अच्छा नहीं है, ये रास्ता है, आपका भी रास्ता है, सारे लोगों का रास्ता है, तो इसको नहीं करो ऐसे, तो उसने इसको इशू बना लिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये जो आप बात कर रहे थे ना कि लड़ाई झगड़े वाली, हमारे जो सारी फैमिली है ना ये पढ़ी लिखी फैमिली है, हम दो भाई जो हैं वो टीचर हैं, एक भाई है हमारा भाई जो है ये पीटीआई का काउंसलर है इधर से, एक भाई जो पीछे बैठा हुआ बीकॉम है वो खुद जो था वो एमए था, उसने एलएल भी किया हुआ था, तो हमारा जो है जो हमारा फील्ड नहीं है। हाँ जी, लड़ाई झगड़े टोटली जो है वो जो है ग्रेजुएट फैमिली है ये सारे। यानी आप लोगों को नहीं मालूम था कि इसका ऐसा रद्दअमल आएगा कि वो नहीं, ये हमारे जहन में ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं कि भाई ने कभी आपसे कोई बात इस किस्म की शेयर की हो, या इन लोगों का कभी इरादा सामने आया कि उन्होंने सरकारी राजी पे कब्जा करना है? ये कितनी देर में, मतलब उसी दिन सब सब कुछ हुआ, मिट्टी भी आ गई, ईंटें भी आ गई? ये जो इन्होंने प्लान किया हुआ था ये उसी दिन ही सारा कुछ हुआ। पहले होता तो हम लोगों से गाँव के लोगों को इकट्ठा कर दे यार ये जो मामला कर रहे थे उनको रोकें, तो वो उसी वक्त उनका प्लान था कि जल्दी जल्दी जो है वो इसको कवर करें और इस पर जो है वो तामीर कर दें ताकि जो है वो फिर बाद में जो कोई जो है वो मसला ना बने। अच्छा ये बच्ची है 10 माह की? ये बच्ची और ये बेटा 3 साल का मुरातब के? हाँ मुरातब, ये दोनों बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, अहलियाने इलाका उसके बाद मतलब पुलिस के या तफ्तीश में या किसी मामले में साथ हैं आपके इस वक्त? जी इंशाल्लाह हमारे साथ हैं। नाज़रीन ये इस वक्त ये तीनों भाई यहाँ पे मौजूद है और आपने देखा कि ये दोनों टीचर हैं, एक काउंसलर है और एक बी कॉम भाई है, और यहाँ जहाँ बैठे हुए यहाँ पे एक स्कूल भी चलाया जा रहा है इनकी जानिब से ये गाँव के लिए, और इस फैमिली की जानिब से ये जाहिर ही नहीं किया गया कि कोई रद्दअमल सामने आएगा, या इनको इम्कान ही नहीं था इस बात का कि कोई रद्दअमल सामने से आ सकता है। मुरातब ने सिर्फ रफाए आमा को मद्देनजर रखते हुए कि रास्ता ना रुके, क्योंकि अगर वो रास्ता वहाँ पे कोई दुकान या वहाँ पे कोई बंदा काबिज हो जाता है तो सड़क के साथ इतनी जगह नहीं बनती कि वहाँ से कोई ट्रैक्टर ट्राली या कोई चीज़ जो है वो सामान लेके शहर की जानिब रवाना हो सके, और ये गाँव की जितनी भी सड़कें हैं वो इसी नीयत से बनाई जाती हैं कि यहाँ से जो लोडेड ट्राले हैं वो भी ईजिली जो है वो शहर को जा सकें, क्योंकि यहाँ की अजनास ज़रिए अजनास जो है वो शहर की तरफ जाती हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मुरातब ने अकेले जाके उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसा ये लोग बता रहे हैं और अहलियान इलाका से भी हम बात करेंगे कि सारा वाकया जो है वो 3 से 4 मिनट के राउंड अबाउट जो है वो पेश आया, इसका मतलब मेंटली तौर पे वो लोग पहले से तैयार थे कि अगर यहाँ पे हम कब्जा करते हैं, क्योंकि जो शख्स भी कब्जा करता है वो बंदोबस्त करके रखता है पहले कि अगर किसी का रिएक्शन या रद्दअमल सामने आया तो हम उसके साथ क्या सलूक करेंगे, और उन्होंने पहले से ये माइंड बनाया हुआ था कि जो भी उनको रोकेगा उसको वो नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ। Thank you.